तो भाई साहब ये नज़ारा है उस टाइम का जब रामनवमी के दिन बहुत कम ऑफिसेज खुले हैं, काफी सारे स्कूल्स तो बंद ही हैं, तो ट्रैफिक जो है काफी स्मूथ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत। और हर बार वीकेंड में सोचता हूँ ये काम करूंगा वो काम करूंगा, दुनिया भर की चीजें, लेकिन जैसे ही वेदर चेंज होता है तो थोड़ी अपनी इम्यूनिटी जो है वो लो लग रही है मुझे इस बार, क्योंकि मैं इतनी जल्दी जल्दी बीमार तो नहीं होता। जैसे मैं पिछली कुछ वीडियोस में बता भी रहा था कि साल में एक बार अच्छे तरीके से बीमार हो जाता हूँ, एक बार जहाँ पर मुझे मतलब मेरी हालत खराब हो जाती है। आई थिंक वो वाली इलनेस तो हो चुकी है ऑलरेडी मुझे, लेकिन इस वीकेंड पे भी थोड़ा सा डाउन फील कर रहा था। और अगेन वीकेंड के बहुत सारे काम नहीं हो पाए, सोच रहा था थोड़ा बहुत मेले का भी दर्शन कराएंगे, रामलीला हो रही है पास में थोड़ा बहुत वो देख लेंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे, या बहुत छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेंगे, लेकिन घर में कोई इंटरेस्टेड नहीं है मेले जाने के लिए। यार पहले भी बोल रहा था, मैं फिर बोल रहा हूँ चलो यार थोड़ा बहुत तो मज़ा आ ही जाएगा। फिलहाल ये पहन के जा रहा हूँ पहली बार, इस सर्दी के मौसम के आने का आगाज कर चुका हूँ कि सर्दियाँ आ गई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई मैं देख के नहीं करता किसी को कॉपी कि भाई कोई स्वेटर पहन के आएगा, तो ही स्वेटर पहनूंगा जब मन करेगा तब पहनूंगा। और मुझे तो लग रहा है कि भाई वेदर चेंज हो रहा है, अगर आपको भी लग रहा है कि वेदर चेंज हो रहा है, हल्की हल्की ठंड लग रही है, तो पहन लो भाई कपड़े, कौन मना कर रहा है आपको कि मत पहनो। बगल वाले को देख के पहनोगे कि ऑफिस में कोई पहन कर आएगा तो ही पहनूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तबीयत आपकी है, ख्याल आपको रखना है। तो अगर ठंड लग रही है तो पहनना शुरू कर दीजिए गर्म कपड़े या फिर जैकेट वगैरह जो भी मन करता है। इस पुलओवर का या फिर नेहरू जैकेट का फायदा ये उतार के चेयर पे भी रख सकता हूँ आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेहत का ख्याल बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या फिर इमोशनल या मेंटल। तो फिलहाल मेंटल हेल्थ के लिए कुछ सुनते हैं ज्ञान, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो भाई साहब निकल चुका हूँ घर से, मतलब पता है क्या बोल रहा हूँ ये भी समझ नहीं आ रहा, निकल चुका हूँ ऑफिस से घर के लिए, लेकिन आज मैं घर भी नहीं जा रहा हूँ। पहले अभी मैंने पिताजी को फ़ोन किया है कि मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ, या फिर जैसे कि माताजी की थोड़ी तबीयत ख़राब है कई दिन से, तो वैसे तो वो अब पहले से बेटर हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ उनका ट्रीटमेंट हो रहा है वहीं मेरा करा दें, क्योंकि मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है बार बार, मुझे कभी फीवरिश फीलिंग हो रही है कभी कुछ। तो आज डॉक्टर चेंज करेंगे और फाइनली इसको जड़ से ख़त्म करेंगे, इसका इलाज परमानेंट कराएंगे, ताकि बार बार बीमार ना हो। यार पार्क जाना है, एक्सरसाइज करनी है, ऑफिस में डट के काम करना है, बहुत सारे काम है यार, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं अपने जो मैं और भी कुछ करना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल चलते हैं इलाज कराते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फीवर फिर से आना शुरू हो चुका है। बाकी डॉक्टर साहब को दिखाते हैं क्या बोलते हैं वो। जी इनकी तो क्या स्पीकर है क्या, कान में फोन आ रहा है ये बोल रहा है ना? अच्छा कर लो बात। जय माता दी। जय माता दी भाई। क्या हाल यह है? ठीक है। तबीयत खराब हो गई है, बुखार हो गया, सब दवाई लेने आ गए हैं, बताओ एक एक करके। यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा, लाइट भी नहीं है। आपका स्कूटर कहाँ है? चलो फिर स्कूटर के पास चलते हैं। उलाला, ऐसा लगता है कोई भी मेला ही मेला दिख रहा है पूरे द्वारका में, और कुछ नजर नहीं आ रहा है ना जी। ये देखो क्या आलीशान मेला लग गया, पहले एक ही था अब दो तीन नजर आ रहे हैं, हो सकता है सप्लाई डिमांड का चक्कर हो। ये देखो भाई साहब क्या लेके चल रहे हैं, मेला दिखाऊंगा। ओए ओए ओए। 2000 years later। आवे महाराज। भाई साहब ये बंदा जो है ना मिल नहीं रहा है मेरे को। आ गया बस। नहीं मिल नहीं रहे हो भाई, आप मुझे मिल नहीं रहे हो। नहीं तबीयत तो ठीक हो जाएगी, आप मिलो तो कम से कम बात तो करो हमसे। आ रहा हूँ यार। लेकिन ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये देखो ये देखो ना मैं मैच में हूँ। तो आप अगर मैच में हो घर में कब आओगे? मैच के बाद बस जा रहा हूँ, मैच के बाद मतलब आ रहा हूँ। लास्ट मैच है पहले बोल दिया मैंने, देखो दो जल्दी ओडे ना देख रहे हो। इस मैच के बाद जा रहा हूँ मैं, मतलब कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ मैं, सो जाऊंगा जब तक मुझे नींद आ रही है। अब कोई नहीं, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। देख लो फ्रेंड्स सारा दिन ये गेम खेलते रहते हैं, कैसे समझाऊं मैं? ऐसा नहीं होता ना बेटा, कुछ तो बताओ क्या करूं मैं। देखो
होता है, मैं काम कर लिया तो मैं सोचता हूँ काम करने के बाद आई एम फ्री, मैं ये सोच के करता हूँ। यू आर फ्री देन यू विल प्ले ओनली गेम, यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, ओनली गेम, 4 hours, 5 hours, 6 hours, जितना बाकी किसी चीज में नहीं है। बाकी चीज आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़े ना, आपको गेम में मजा है बट बाकी चीज में ऑप्शन क्या रखे आपने ना, क्रिकेट छोड़ दिया, फुटबॉल छोड़ दिया, आता ही नहीं, सब इधर उधर के गेम खेलने लग गए हैं, साइकिलिंग छोड़ दिया, क्रिएट करो, फिजिकल गेम क्रिएट करो, फिजिकल एक्टिविटी क्रिएट करो, पार्क जाओ, वॉक करो। अब आप बोल रहे हो बाकी गेम में मजा और किसी में मजा नहीं है, एक बार ऐसा हो जाएगा ना, इतना खेलोगे ना बोर हो जाओगे, फिर आप कहोगे बोरिंग हो गया गेम, खेलो अच्छी बात है लेकिन इतना ज्यादा मैं कंट्रोल करता हूं। मैंने आपको क्या बोला कल, मैंने आपको यही बोला कि जो करना है करो लेकिन बैलेंस करो, डू एवरीथिंग, आई एम नॉट सेइंग स्टडी ऑलवेज, स्टडी, गेम, टीवी, साइकिल, रनिंग, वॉकिंग, पार्क, क्रिकेट, फुटबॉल, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ओनली गेम। करता हूं, कल से ट्राई करता हूं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब तो, मतलब आज ही हो गया अब तो 12 बज गए, बजने वाले हैं, बंद करके फटाफट आओ, कोई डायलॉग बाजी का टाइम नहीं रह गया अभी फिलहाल, मैं जा रहा हूँ सोने क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। आपसे मिलेंगे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।